द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 11 है ना ये, हाँ 11, 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 11। तो देखो हमने मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में हमने पैरेलल का केस देखा, तो पैरेलल में अगर दो स्लोप है, मान लो m1 और m2 दो स्लोप है, तो वो इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ केस चल रहा है परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर में पता क्या होता है, m1 और m2 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो माइनस वन हो जाता है, या फिर ये कह सकते हो कि m1 होगा माइनस वन बाय m2, ऐसे होता है, ठीक है, ये केस चल रहा है यहाँ पर। तो बस परपेंडिकुलर पूछा, तो इसका पहले m निकालो, m कैसे निकालोगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म लाइन की क्या होती है, ये होती है y is equal to mx plus c। तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो जब आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगी, तो इसको जब आप जनरल फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगी जैसे मैंने पिंक से लिखे, y is equal to 3 by 4x minus 11 by 4, तो यहाँ पर m क्या हो गया 3 by 4, तो परपेंडिकुलर है यानी m हो जाएगा minus 4 by 3, which is the answer।